बनाने नहीं आती है। तो ये शक्ल है मेरी रोटी की जो मैंने बनाई है। और देखो कैसे दो दो जैकेट पहन के आए हैं, इतनी भी ठंड नहीं पड़ रही है, मैंने जस्ट अभी पहना, भगवान कसम। नहीं सूप सूप खत्म कर दिया आपने? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरा सभी प्यारा भाई बहनों, तुम्हें यार प्यार भरो नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइंड देवी 95 में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि खुशबू घर पे नहीं है, वो हल्द्वानी जा रखी है, तो देखो मैं कितना खुश हो रखा हूँ। और चाय ऑलरेडी दादी ने बना दी थी, मैं तो अभी उठाऊँ, 8 बजने के लिए कुछ ही समय बाकी है। तो और दिन क्या होता था, ये क्या हो गया, ये कभी कभार ना इसको ये बीमारी लग जाती है। अब ठीक है, अब चल जाओ। तो और दिन तो क्या होता है कि अगर मैं दादी से पहले उठ गया हूँ या साथ साथ में उठा तो दादी के लिए चाय और अपने लिए चाय मैं खुद बना लेता हूँ, या तो अगर खुशबू पहले उठी तो वो बना देती है। लेकिन आज दादी पहले उठी और मैं अभी उठाऊँ तो दादी ने ऑलरेडी चाय बना दिया। लेकिन दादी ना अदरक वाली चाय नहीं पीती है, दादी पीती हैं तुलसी वाली चाय, और तुलसी वाली चाय मुझे डेली पसंद नहीं है, पर इसमें शायद अदरक। दादी वेरी चालाक, हाँ बहुत कूट कूट के अदरक डाला, पर डाला थोड़ा सा डाला है। और आज का व्लॉग क्या रहेगा आगे, आज पूरे दिन में क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आइडिया देने के लिए खुशबू रहती थी और साथ में कि हाँ भाई आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, क्या करना है, जो भी है वो। और ये मेरी नमकीन का भी लास्ट पैकेट बचा है और वो भी थोड़ी सी बची है, तो मेरी रानी बुआ है ना, या तो वो लाते हैं या तो पंजाब से जब बुआ आते हैं वो लाते हैं, तो पंजाब वाली बुआ तो बहुत समय समय बाद आते हैं, मतलब क्योंकि पंजाब यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन रानी बुआ तो एनी टाइम आ जाते हैं जब भी हम उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि ना पास में है। बुआ जी ख़त्म होने वाला पैकेट, तो चाय वगैरह तो मैंने पी ली है और अब टाइम है आटा उलने का, क्योंकि सब्जी दादी ने ऑलरेडी कल बना रखी थी रात को, तो वही सब्जी बच गई है, तो ठंडिया है, सब्जी ख़राब भी नहीं होती है और फ्रिज में भी रखी थी तो ख़राब होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और ये पत्ता गोभी और मटर की सब्जी है तो यही खा लेंगे, तो बस आटा उलना रह गया, तो मैं फटाफट से आटा उल लेता हूँ और दादी और अपने लिए रोंटी बना लेता हूँ, रोंटी। और दूध वाले भैया आज भी लेट आए, अभी आए 10 मिनट पहले। तो आटा रेडी मैंने कर दिया है, अब इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, तब तक थोड़ी देर दादी से चर्चा हो जाए। मैं ना हर खाना अच्छा बना लेता हूँ, हर खाना मतलब जो भी मुझे आता है खाने में, मैं सब कुछ बना लेता हूँ, पराठे बना लेता हूँ, लेकिन मुझे बस रोटी बनानी नहीं आती है। तो ये शक्ल है मेरी रोटी की जो मैंने बनाई है, अब दादी को यही खानी पड़ेगी, अरे तो खराब हो गई, यही खानी पड़ेगी। ये वाली रोटी ठीक बन गई, लेकिन वही है ना पापड़ जैसी हो जा रही है, पता नहीं क्यों। दादी ने तो दो ही रोटी बोल के बोल दिया, और नहीं खाना है बल, और नहीं चाहनी रोटी। कड़क कड़कड़ा रोटी। चपेना छा जी, चपा देना छो। हेलो बोल दे दादी, हेलो, हाथ हिला दो। के खाना छो तुम, क्या साग छो? पत्ता गोभी और मटर। पत्ता गोभी और मटर मटर तो खत्म हो गया था दादी। हाँ जो मिल जाए 1 किलो सस्ता में अच्छी थी। 5 रुपए किलो। आप देख रहे हो गई एकदम कड़क हो रही रोटी, पर क्या करें, आवाज हमारे साथ की चीज खाना तो चाहिए। मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ और फिर घर के बाकी काम धाम। हाँ जी, तो आ गया हूँ मैं अपनी ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर, और ये फ्रिज भी जैसी
रोटियों को लेके डाली तो पता कैसे खा ली और एक और चाय नाश्ते के साथ। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट कर ले रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या। अरे पहन ले खांसी। तभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सिलेंडर भरवाने के लिए, गाड़ी आती होगी आधे एक घंटे में। तो फाइनली घर के सारे काम वाम हो गए हैं और अब टाइम हो गया है मेरे नहाने का। पानी भी गर्म हो गया है क्योंकि लाइट नहीं थी ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटे से, और फ़ोन में भी बैटरी सिर्फ 6-7% बची थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अब चार्ज किया है, और क्योंकि कई जगह पर हमारे कनेक्शन नहीं है इन्वर्टर का, ये तो फ़ोन में चार्ज कर लेता इन्वर्टर से, मुझे बड़ा मशक्क़त के साथ चार्ज करना पड़ा क्योंकि अंदर बैठ के तो मैं फिर चार्ज कर नहीं पाता। फिर यहाँ बैठा था, फिर तार यहाँ से यहाँ खींच के यहाँ लगाइए, तब जाके फ़ोन चार्ज किया। अब लाइट आई है थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले। तो चलिए मैं फटाफट से नहा लेता हूँ और फिर निकलूँगा कैफ़े के लिए। तो अभी नहा धो के मैं रेडी हूँ कैफ़े जाने के लिए, और अभी थोड़ी देर के लिए छत पर आया था तो देखा कि मौसम थोड़ा बदला बदला सा है, बादल छा रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश की संभावना है। दादी बता रही थी कि बारिश होती है इस टाइम पे, और सामने देखो कोहरा सा लगना शुरू हो गया। एक्चुअली तो पहाड़ों में ज़्यादा कोहरा लगता नहीं है, लेकिन हाँ जो मौसम है वो बादलों से घिर चुका है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार बादल, देखो ठंडी हवा पछी पड़ो घोला झिट घड़ लुके दिनी तो गुलाबी थोला, यू मस ठंडी हवा पछी पड़ो घोला झिट घड़ लुके दिनी तो गुलाबी थोला तेरी मेरी जोड़ी। हाँ जी, तो सारा काम वाम हो गया है और अब तो टाइम जरा आराम करना को और इंतजार करना कस्टमर को। आज भैर मौसम इन की जन बरखा आने वे, तो चलो थोड़ी देर अब आराम कर लेना क्योंकि टाइम हो गया ही डेढ़ बजे वाले, और फिर तीन चार बजे टाइम तो खुद देख ला खाना हिसाब के हूँ क्योंकि मैं लंच करी नहीं हुई छू ना सकना, बाद से मुझे भूख नहीं लग, अब देख ला के खाना हूँ। चलो मिल लो थोड़ी देर में। तो हाँ जी, फिर से आ गया हूँ मैं वापस, और अभी टाइम हो रहा है 7:30 से ज़्यादा हो गया। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है, मौसम थोड़ा चेंज है, बाहर ऐसा मौसम हो रखा है कि बारिश होने वाली होगी, लेकिन मे बी आज तो मेरे का एक बनना हो सकती है। तो शायद दीपक भैया जा रहे हैं, आज मन कर रहा है सूप पीने का, यहाँ पे एक जानू सूप सेंटर है वहाँ पे, तो अकेले अकेले जाने का मन नहीं है, खुशबू है नहीं, तो इसलिए मैंने फ़ोन किया है संदीप भैया को। तो संदीप भैया आ रहे हैं, और जैसे ही वो आएंगे फिर हम भी बढ़ाएंगे और सीधा पहुंचेंगे जानू सूप सेंटर पे और सूप के मज़े लेंगे। तो चलिए वेट करते हैं, कोई देख रहा है क्या मेरे को, वेट करते हैं संदीप भैया का, और तब तक मैं बाकी अंदर का क्लियरेंस कर लूँ, जो भी आज ऑर्डर लगे थे सारी साफ सफाई कर लेता हूँ। चलिए तो देखो संदीप भैया आ गए हैं फाइनली, और देखो कैसे दो दो जैकेट पहन गए हैं, इतनी भी ठंड नहीं पड़ रही है, मैंने जस्ट अभी पहना भगवान कसम। तू अंदर बैठा भाई, तो अंदर टाओ आओ, क्या बाहर आ जा चल। आप क्या वहां रेडी लगा रखी थी आपने? चक्कर आ गया मेरे को, घर से पहन के आ रहा हूं मैं, स्कूटी में भी देख तू कोरा हो रखा है, ऐसा कोरा हो रखा है, कैसे मुंह नहीं लिए खाए भी नहीं जा रहे। ये देखो ये देखे तीन क्या स्कूटी, अपने आप ऑटोमेटिक टेस्ला की स्कूटी है क्या, चलते आए थे आप मूंगफली खाते आ रहे थे क्या सीन है, है? लेके आना है या जाना है दुकान तो खोलेगा, 9 बजने वाले हैं, अब कब के लिए खोलना है, चलते हैं ठीक है, मिलते हैं आपको सीधा जानो सूप सेंटर। कहाँ कहाँ? घर जानू सूप सेंटर नहीं जाना है, जानू सूप सेंटर चलते हैं, उसी के लिए तो आए हो आप। हाँ ठीक है, उसी के लिए आए गाइस। नहीं सूप खत्म कर दिया आपने, नहीं मिलता ये भगवान क्या जुल्म। चिकन सूप आज नहीं मिलेगा। अच्छा आज तो मंगलवार है यार,
वैसे भी भैया पीते नहीं है। मोमोज हमें खिला दो यार, तुम वो किसके लिए पैक कर रहे हो? अजी झूठ बोले। अच्छा अच्छा, मुझे लगा भैया ने पैक ही ऑर्डर दे रखा। फिर क्या करें, चले? चलो अब तो हो ही गया क्लोजिंग यार, एक ऑर्डर के चक्कर में लेट हो गए हम शायद। आप ही आ रहे हो ब्लॉग में, हेलो कर दो। हेलो गाइस। चलो कोई नहीं, हमारी किस्मत में आज जानू सूप सेंटर का सूप नहीं था, पर कोई नहीं, चलते हैं किसी और जगह, कुछ और खा लेते हैं। हैं, मैं सोचा आज व्लॉग बनाऊंगा बढ़िया से सूप पीते हुए। तुम्हारे पास काजमा सर्च कर दो ना। नहीं है, एक बताऊंगा मैं। तो हमें तो भैया सूप मिला नहीं, तो हम लोग अब निकल रहे हैं वापस भैया अपनी स्कूटी पे। चलो दुकान बढ़ा लो डॉक्टर साहब। तो चलिए चलते हैं घर, घर से पहले कहीं और देखते हैं। और आज सुबह मैं बोल ही रहा था कि कोहरा नहीं लग रहा है, पहाड़ों में कोहरा कम लगता है, तो आज कोहरा लग गया है यार शाम के टाइम से, और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और अभी हल्का है, अभी थोड़ी देर पहले ज़्यादा था, थोड़ा हल्का हो गया है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं कहीं कुछ खाने के लिए, ऐसे ही टाइम पास कुछ मिल जाता है तो, क्योंकि जानू सूप सेंटर पर हमें कुछ मिला नहीं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे हमें कुछ मिलता है। और मैं भैया को बोल रहा हूँ कि अपनी स्कूटी पहले आप घर खड़ी करके आ जाओ, फिर देखते हैं, चलो जैसा भी बनता है वैसा करेंगे। तो कहीं जगह नहीं मिली हमें, मतलब कहीं कुछ ढूंढा नहीं हमने, हम लोग सीधा बावर्ची आ गए। और हमने ऑर्डर किया है सूप और हनी चिल्ली पटेटो, जो मीठे होते हैं, भैया ने बताया हमें, हमें तो पता ही नहीं था। और बस अब वेट करते हैं सूप का, कहिए पहले हनी चिली पटेटो ना लेके आ जाए। तो ये आ गया हमारा सूप, सूप सूप, ये मोमोस। और भैया कुछ पता ही नहीं था कि टमाटो सूप मीठा भी होता है। तो चलिए फटाफट से सूप निपटा लेते हैं, घर भी जाना है। तो अभी आए हैं हमारे हनी चिली पटेटो, भैया ने ये भी ऑर्डर कर लिया, पर ये मीठे हो रहे हैं। अलग ही एक्सपीरियंस है मेरा आज। तो खा लिए हैं हमने अपने स्नैक्स और अब जा रहे हैं घर। और घर जाके तो मैं अब सीधा एडिटिंग पे लग जाऊंगा। तो इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और मैंने कल बोला था प्लीज़ कमेंट करना, तो कल वाली वीडियो पे किसी का कमेंट ही नहीं आ रखा। वाह। बाय बाय।